बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कल्चर। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है सोशियोलॉजी का ये टॉपिक, जिसमें हमने कल्चर की डेफिनेशन, एस्पेक्ट, करेक्टरिस्टिक्स को देखना है। उसके बाद मटेरियल, नॉन मटेरियल, आइडियल एंड रियल कल्चर को देखना है। उसके बाद तीन एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं कल्चर के अंदर, बिलीव, वैल्यू, नॉर्म एंड सोशल सेक्शन, उनको हमने डिस्कस करना है कि कौन से ये पॉइंट्स हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, इनकी क्या एग्जाम्पल है। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से मैं YouTube पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ, लेक्चर विद नोट्स PDF, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे सोशियोलॉजी के लेक्चर मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी की तमाम आउटलाइन यहाँ पे कवर हुई भी है। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान स्टडी के नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे, जहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप कल्चर से स्टार्ट करते हैं और उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कल्चर होता क्या है, ये रेफर किसको करता है? सोसाइटी के अंदर जो भी बिलीव, वैल्यू, प्रैक्टिसेस से मुराद ये है कि जो काम हो रहे होते हैं, कस्टम, नॉर्म्स और जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें मौजूद होती हैं जो उस ग्रुप को एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाती हैं, उसको वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देती हैं, उसको कल्चर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कहीं सराइकियों का वेड़ा है, सराइकी लोग बहुत ज़्यादा एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हैं, तो उनका जो बिलीव, वैल्यू, प्रैक्टिस, कस्टम, नॉर्म्स होंगे वो आपको पंजाबी ग्रुप से मुख्तलिफ मिलेंगे। इसी तरह अगर आप इंडिया की तरफ चले जाएं तो आपको राजस्थान के जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो बिल्कुल दिल्ली के लुक ग्रुप ऑफ पीपल से मुख्तलिफ मिलेंगे। तो कल्चर क्या होता है? बेसिकली कल्चर एक जो होता है वो स्पेसिफिक हमें बिलीफ, बिलीफ से मुराद हमारे अकीदे, वैल्यूज से मुराद हमारी इंपॉर्टेंट जिन चीज़ों को हम समझते हैं, प्रैक्टिस हमारे काम वगैरह, कस्टम्स जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं, नॉर्म्स सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, और मटेरियलिस्टिक थिंग्स यानी कि जैसे कि हम लिबास पहनते हैं, हम अपना घर जैसे समझ जाते हैं, वो हमें स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स देते हैं और हमें उस ग्रुप के अंदर एक जैसा करते हैं, ग्रुप को एक जैसा करते हैं और ग्रुप को बाकी ग्रुप से डिफरेंट करते हैं। अब हर सोसाइटी के अंदर मल्टीपल ग्रुप मौजूद हो सकते हैं। अब ग्रुप बनता कैसे है कि जब 4 से 5 इंडिविजुअल या इससे ज़्यादा ही होने चाहिए, 3 से ज़्यादा इंडिविजुअल जब साथ इकट्ठे मौजूद होते हैं, उनका कोई कॉमन करेक्टरिस्टिक होता है, उनका पर्टिकुलर कल्चर होता है, तो वो क्या कहलाता है? एक ग्रुप कहलाता है। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ तरीके से परसीव, इंटरेक्ट करते हैं और जो इनके इर्द गिर्द का माहौल है वो भी डिफरेंट होता है। कल्चर के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि ये चीज़ें मौजूद होंगी तो हम स्पेसिफिक कल्चर का जिक्र करेंगे, उनको आप डिटेल में देखते हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ बेसिकली बिलीव होते हैं। बिलीव से मुराद क्या होता है कि हमारा अकीदा, जिन चीज़ों को हम मानते हैं, जो हम ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ये डिज़ायरेबल भी होते हैं। ये इंसान का बिहेवियर जो है उसको फ्रेम करते हैं और उसके डिसीजन करने में मदद करते हैं। बिलीव्स वो आइडियाज़ होते हैं जो सोसाइटी के लोग होल्ड करते हैं, कि अकीदा होता है उनका, उनके माइंड के अंदर होता है और ये उनके लिए ट्रुथ होता है। उनकी जितने भी अमल हैं, जितने भी वर्क है, जितना भी बिहेवियर है, उसकी फाउंडेशन जो है वो बिलीफ होती है। वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी के अंदर तब बनती हैं जब हम बिलीव्स के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? इसके बाद नॉर्म्स आते हैं। नॉर्म्स हमारे सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशन होते हैं। हमने सोसाइटी में विद इन द कल्चर बाउंड्रीज रहना है। एक सोसाइटी कल्चर पे मबनी होती है और कल्चर के अंदर जो रूल्स और एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो इंसानी बिहेवियर के लिए होते हैं, उनको हम नॉर्म्स कहते हैं। इनको हम सोसाइटी के लॉज कह सकते हैं। अगर हम फॉर्मल तरीके से कहें तो ये हमारे गवर्नमेंट के जो मौजूद लॉ होते हैं उनको भी देख सकते हैं, और इनफॉर्मल तरीके से देखें तो ये हमारे कस्टम होते हैं। इसके अलावा सिम्बल्स होते हैं। हर सोसाइटी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ सिंबल, वर्ड्स और इमेजेस सिर्फ उनके लिए मायने रखते हैं, हर किसी के लिए मायने नहीं रखते। जैसे कि 14 अगस्त पे मीनारे पाकिस्तान को दिखाया जाता है 14 अगस्त को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इट इज़ बेसिकली अ टावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वही मीनारे पाकिस्तान लंदन के लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इसी तरह हमारा जो लफ्ज़ है अस्सलामु अलैकुम, अगर रिलीजियस बाउंड्री से हट के सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पर मौजूद है, हो सकता है एलीट क्लास हाय, हेलो या ग्रीटिंग्स यूज़ करती हो, इसके अलावा लंदन के लोगों के लिए ये अहमियत नहीं रखता। सेम गोज फॉर इंडिया, नमस्ते, वो इंडिया में तो वैल्यू रखता है लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड वैल्यू इतनी नहीं रखता, या वो सेक्रेड नहीं है, वो जेस्चर उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
जैसे कि अगर इंडियन आपस में नमस्ते करके मिलते हैं, लेकिन अगर वो ही इंटरनेशनल फोरम पे मिलते हैं तो वो हाथ मिला के मिलते हैं, तो जेस्चर्स वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। इसी तरह लैंग्वेज होती है, एक कल्चर को बनाने में, ट्रांसमिट करने में, और उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट है लैंग्वेज भी, क्योंकि ये एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वर्बल तरीके से हो या नॉन वर्बल तरीके से हो। लैंग्वेज जो है वो ट्रांसमिट करती है कल्चर को, और वो ट्रांसमिशन का एक वाहिद सोर्स है। जब वो वाहिद सोर्स है तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा कल्चर का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसका कस्टम और ट्रेडिशन। कस्टम वो लॉ होते हैं जो हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग फॉलो करते आ रहे होते हैं, वो रूल्स होते हैं, वो प्रैक्टिसेस होते हैं, वो रिचुअल्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन हम फॉलो कर रहे होते हैं। ट्रेडिशन भी सेम उन्हीं रिचुअल्स को कहते हैं, उन्हीं प्रैक्टिसेस को कहते हैं जो सोसाइटी की आइडेंटिटी बन चुके होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कस्टम ट्रेडिशन क्या है, हमारी शादियाँ वगैरह आप देख, तो उनके अंदर दुल्हन को लाल लिबास पहनाया जाता है क्योंकि ये हमारा कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है। अगर हम यही चीज़ अमेरिका ले जाएं तो वहाँ पे वाइट कलर का लिबास पहनाया जाता है, यही चीज़ तुर्की ले जाएं तो वो वाइट कलर का लिबास पहनाते हैं, ईरान ले जाएं तो वो वाइट कलर का लिबास पहनाते हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कल्चर और ट्रेडिशन होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूट, सोशल इंस्टीट्यूट भी हर सोसाइटी के अंदर वेरी करते हैं। जैसे कि उनकी फैमिली का सिस्टम हो गया, ये एक इंटीमेट सोशल इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन का इंस्टीट्यूट, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इवन के रिलीजन हो गए। इसके अलावा रिलीजन के अंदर हमारे मदारिस आ जाते हैं, गवर्नमेंट के अंदर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। सोशल इंस्टीट्यूट जो होते हैं ये उन स्ट्रक्चर पर बनाए जाते हैं, उन रूल नॉर्म इथिक्स पर बनाए जाते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर फॉलो किए जाते हैं। अच्छा, आर्ट और एस्थेटिक ये भी हमारे कल्चर पर ही डिपेंड करता है, हमारे कल्चर से ही जुड़ा हुआ होता है। हमारा आर्ट हमारे कल्चर की अक्कासी करता है, हमारा म्यूजिक हमारे कल्चर की अक्कासी करता है। क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर देख लें कि पाकिस्तान के अंदर आतिफ असलम ज़्यादा मशहूर होगा और BTS मशहूर नहीं होगा, BTS कोरिया के अंदर ज़्यादा मशहूर होगा, वहाँ पे आतिफ असलम मशहूर नहीं होगा। तो हमारा आर्ट और एस्थेटिक, लिटरेचर, हर चीज़ जो है वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग होता है। कल्चर की फर्दर टाइप्स हैं डिफरेंट, जो सोशलिस्ट आए उन्होंने इसको डिफरेंट तरीके से बयान, मुख्तलिफ सोशलिस्ट मुख्तलिफ डेफिनेशन देते हैं। एक सोशलिस्ट कहते हैं कि कल्चर दो तरह का होता है, एक मेटेरियल कल्चर होता है और एक नॉन मेटेरियल कल्चर होता है। मेटेरियल कल्चर के अंदर हर वो ऑब्जेक्ट चीज़ आती है जो कि वजूद रखती है, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, जैसे कि बिल्डिंग, टूल्स, क्लोथिंग, टेक्नोलॉजी, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होती हैं और इनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल अपेयरेंस रखती हैं। नॉन मेटेरियल कल्चर वो कल्चर होते हैं उनके अंदर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो कल्चर में मौजूद होती हैं, जैसे कि बिलीव, वैल्यू, नॉर्म्स, कस्टम, लैंग्वेज, सिंबल, इनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन इनके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। तो नॉन मेटेरियल चीज़ें वो जिनको हम टच नहीं कर सकते, मेटेरियल जिनको हम टच कर सकते हैं। आइडियल और रियल, इनका फ़र्क आ जाता है। आइडियल कल्चर क्या होता है? आइडियल कल्चर हमारे अंदर वो मौजूद होता है जो हमारी सोच के अंदर होता है, जो लोगों की थिंकिंग के अंदर होता है कि हम ऐसे होने चाहिए जैसे कि हम चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और हम इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं, जो इस्लामिक कल्चर है यानी कि रियासत मदीना के कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए आइडियल कल्चर हो गया। इसके अंदर वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिहेवियर, हर चीज़ हम वैसा करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक। लेकिन जो रियल कल्चर होता है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो एक्चुअल बिहेवियर है, जो एक्चुअल प्रैक्टिस है, जो कि एक्चुअली हो रहा है, वो बिल्कुल ही हमारा आइडियल कल्चर से नहीं मिलता। वो चेंज है, उसके अंदर म्यूज़िक भी आ गया, उसके अंदर डांस भी आ गया, उसके अंदर हमारे मुख्तलिफ चीज़ें आ चुकी हैं, पॉलिटिक्स भी आ गई है उसके अंदर, लेकिन हम बहुत हद तक उसे करीब करने की कोशिश करते हैं आइडियल कल्चर से। तो आइडियल कल्चर वो जो हमारे माइंड के अंदर एक माइंड में मैप बना हुआ है, माइंड सेट बना हुआ है, जो हमने बुक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, जो हम चाहते हैं कि ऐसा होना, वो आइडियल कल्चर है। और रियल कल्चर वो जो इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं और जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं। एलिमेंट ऑफ कल्चर के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है बिलीफ। बिलीफ क्या होते हैं? बेसिकली बिलीफ वो आइडियाज़ हैं जो कि इंसान अपने दिमाग में सोचता है एज अ इंडिविजुअल या एज अ ग्रुप के ये सच है, और वही हमारा पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड और बिहेवियर को तब्दील करते हैं, और हमारे जो बिलीव्स होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर रखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या रोल अदा करते हैं हमारी वैल्यूज़ बनाने में और हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर। बिलीफ आपका कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर हमारा बिलीव है कि चोरी बुरी है या रिश्वत बुरी है, तो हमें रिश्वत लेने का मौका मिल रहा है, अगर हमें लगता है कि वो बुरा है तो हम नहीं लेंगे, और ये हमने एक डिसीजन मेक किया। और अगर हमारा बिलीफ स्ट्रांग नहीं है और हमें लगता है कि कुछ नहीं होता, हज़ारों लोग लेते हैं, हम भी ले लें, तो ये हमने एक गलत डिसीजन मेक किया। तो बिलीफ जो है वो आपके माइंड के अंदर ट्रुथ
वैल्यूज होती हैं जो कि आपका बिहेवियर मोल्ड करते हैं, ये कल्चर के अंदर, फिर कल्चर वैसा डेवलप होता है। अगर आप बुरी चीज़ों को, बुरे डिसीजन लेते हैं अपने बिलीव्स के ऊपर, स्ट्रांग नहीं हैं आप, तो फिर आपके साथ वैसा ही होगा, आपका कल्चर वैसे ही डेवलप होगा। और अगर आप अच्छे लेते हैं तो आपका वैसे ही डेवलप होगा। अच्छा, जो बिलीव है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ग्रुप टू ग्रुप, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, लेकिन ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है। वैल्यूज जो होती हैं ना, वो प्रिंसिपल, वो स्टैंडर्ड होते हैं जो कि कल्चर के अंदर सभी इंपॉर्टेंट समझते हैं और सभी डिज़ायरेबल समझते हैं, और उनके अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो मोरली करेक्ट हो। ये आपको मोरालिटी के बारे में बताता है कि क्या सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। वैल्यूज़ जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी ही होती हैं, ये पर्सनल लेवल पे नहीं होती या इंडिविजुअल लेवल पे इतनी नहीं होती। जैसे कि शराब नोशी पाकिस्तान के अंदर मॉरली रॉन्ग समझी जाती है, तो यहाँ पे ये एक वैल्यू है कि भाई ये ख़राब है, और वैसे भी रिलीजियसली भी ये ख़राब है, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी के अंदर ये ख़राब नहीं समझी जाती और इसको इतना बुरा नहीं समझा जाता। और सेम जो वैल्यूज़ होती हैं, जब वो सोसाइटी की चॉइसेस और एक्शन होती हैं, सोसाइटी के अंदर क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो सोसाइटी के अंदर आपको रहने सहने का ढंग बताती हैं और बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट होती हैं। वैल्यूज़ से करीब तर हमारे नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स भी सोसाइटी के वो एटीट्यूड होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी गवर्न करता है। वैल्यू कल्चरल रिलेटेड होती है मोस्टली, कि कल्चर एक्सेप्ट उसको करेगा कि नहीं करेगा, और नॉर्म्स जो होते हैं वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होते हैं ज़्यादातर। मिक्स भी हो सकते हैं क्योंकि करीब तर चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अब जो सोसाइटी जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करती हैं वो हमारे लिए नॉर्म्स कहलाती हैं। सोसाइटी के अंदर जो अच्छाई की तरफ आती हैं वो सारी चीज़ें उनकी नॉर्म्स हैं, और जो चीज़ें बुराई की तरफ सोसाइटी के अंदर जाती हैं वो सारी उसके नॉर्म्स के खिलाफ। अब नॉर्म्स को मानना और ना मानना इंसान के अख्तियार में होता है, और वही पे सेंक्शंस कहलाता है। अब सोशल सेंक्शंस पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। नॉर्म्स डिफाइन करती हैं कि कौन सा बिहेवियर इंसान का एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है, और सोशल सेंक्शंस जो होती हैं वो बताती हैं कि पनिशमेंट देनी है या प्रेज देनी है। जैसे कि आपने जॉब पर अच्छा काम किया तो आपको प्रेज मिलेगा, आपको इनकरेज करने के लिए बोनस मिल सकता है। सेम अगर आपने चोरी किया तो आपको सोसाइटी की तरफ से सजा भी मिल सकती है। सेम आप सोसाइटी के सोशल सैंक्शंस कौन डिफाइन करता है, गवर्नमेंट डिफाइन करती है। इसका कल्चर से ताल्लुक नहीं होता, इसका सोसाइटी से ताल्लुक होता है, कि सोसाइटी को अगर आप हार्म कर रहे हैं, आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और सोसाइटी को अगर आप फायदा पहुंचा रहे हैं, आप यतीम बच्चों का काम कर रहे हैं तो आपको प्रेस मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। इनके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह।